शासकीय कार्यालय में सुस्त काम और सालों से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के उस वक्त होश उड़ गए जब तराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तराना में पदस्थित अकाउंटेंट को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने सीएचओ से 16,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया। पकड़े जाने की खबर पता लगते ही तराना के प्रशासनिक कार्यालय में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, अकाउंटेंट के हाथ लाल करवाकर नकदी और अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। अकाउंटेंट पर एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरी टीम द्वारा ईओडब्ल्यू की क्या मामला है पूरा? ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में श्री दीपक राठौर जो है ब्लॉक अकाउंट ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। इनका मुख्य कार्य जो सीएचओ हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, उनके आए हुए इंसेंटिव तनख्वाह और अन्य जो भी नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत जो भी मिशन के तहत जो भी फंड आता है उसको वितरित करना है। इस सिलसिले में सीएचओ श्री रीमा जयश्वार द्वारा मार्च अप्रैल मई का उनको इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था। कई बार मुलाकात करने के पश्चात भी श्री दीपक राठौर ने उनका इंसेंटिव नहीं निकाला और रिश्वत की मांग की। परेशान होकर रीमा द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी को शिकायत की गई कि उनका इंसेंटिव बगैर रिश्वत के नहीं निकाला जा रहा, 16,000 रुपये रिश्वत के मांगे जा रहे हैं। इस पर से आवेदन देने पर श्री दिलीप सोनी साहब एसपी साहब ने एक टीम गठित की और तस्दीक की। बात सही पाए जाने पर आज श्री अनिल शुक्ला साहब और अजय शंकर साहब के नेतृत्व में एक दल ने रंगे हाथों 16,000 की रिश्वत लेते हुए श्री दीपक राठौर को गिरफ्तार किया गया है। मौके की कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा रिश्वत मांगी गई है। इसके तहत मांगने पर और बरामद होने पर राजपत्रित अधिकारी हमारे साथ दो हैं, उनके समक्ष समस्त कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जाएगी। सर, क्या पूर्व में भी इस तरीके का मामला इनके ऊपर आरोप लगा है कि इस तरीके की रिश्वत मांगी गई है इनके द्वारा? अभी जाँच में पूरा सिद्ध होगा। अभी प्राइमा फेसाई तो उन्होंने रिश्वत मांगी ली जो जब्त हो गई। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कायथा से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट।